दोस्तों, अगर आपने भी ड्रीम इलेवन पे 1 करोड़ रुपए का कॉन्टेस्ट लगा दिया है तो आप जरूर जीत सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा पिच के बारे में समझना पड़ेगा। वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कौन करता है ये समझना पड़ेगा, और कौन से वहाँ पे अच्छे प्लेयर हैं, और पिच कैसी है, बैटिंग है या बॉलिंग, सब आपको बताने वाले हैं। चैनल पर नया है बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का मैच गुजरात वर्सेज दिल्ली में होना है, और यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। पिच की बात करें तो पे बैटिंग पिच है, और बेस्ट जो है स्पिनर को अच्छा विकेट मिल सकता है। आपको बता दें गुजरात वर्सेस दिल्ली के अभी तक 2 ही मैच हुए हैं, और उसमें से दोनों गुजरात ने विन किए हैं, मतलब जीते हैं। और आपको बता दें अब कौन से प्लेयर आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिकअप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिद्धिमान साहा की, फिर फिलिप शॉर्ट, शुभमन गिल, डेविड वार्नर, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, लिटिल और के अहमद। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है तो इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डेविड मिलर की जगह मनीष पांडे को पिकअप कर सकते हैं, और जो है खलील अहमद को ले सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक इसमें कैप्टन या वाइस कैप्टन आप सोच रहे होंगे किसको बनाया। हार्दिक पांड्या को आप कैप्टन बना सकते हैं, मिचेल मार्श को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। दोस्तों, मैच प्रिडिक्शन की अगर बात किया जाए तो मैच प्रिडिक्शन के अनुसार आज का मैच जो है गुजरात के पलड़े में आ रहा है, मतलब आज का मैच गुजरात विन करेगी, और हार्दिक पांड्या भी उसका अच्छी पारी खेलें। दोस्तों, और आपको बता दें कि जहाँ पे मैच होने वाला है वहाँ पे जो है अगर अच्छा परफॉर्मेंस मतलब स्पिनर अच्छा है, मतलब अच्छे विकेट निकालने वाले हैं, तो उनको विकेट ज़रूर मिलेंगे, मतलब अच्छे विकेट लेंगे। इसी हिसाब से बैट्समैन भी अगर अच्छा बैट्समैन है तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोर 2-3-4 ओवर खेलने के बाद अच्छा स्कोर बनाएगा। और आपको बता दें कल का मैच जैसा कि आपने देखा आरसीबी विन हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा विवाद हो गया था विराट कोहली और गौतम गंभीर के बाद। हालांकि ये गलत है, थोड़ा सा विराट कोहली को भी अमित मिश्रा को उन्होंने जो भी कहा, मतलब जो भी या डांटा फटकारा ये सब नहीं कहना चाहिए। एक दोनों मतलब एक ही टीम के हैं, इंडिया के सारे प्लेयर हैं, ये थोड़ा सा बाद में इसका इफेक्ट गलत पड़ता है। और गौतम गंभीर ने भी थोड़ा गलत किया क्योंकि वो अब एक कोच हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रेडिक्शन।